हेलो दोस्तों नमस्ते, मैं सिर्फ समर सोनी आज आप लोग फर्स्ट वीक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो जानने के लिए प्लीज़ मेरा वीडियो थोड़ी शाम तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो साइड में बेल आइकन बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और चलते दोस्तों आज के नए वीडियो में। एक डिमसम का रेसिपी लाया हूँ, डिमसम का नाम है मॉक मीट विथ वाटर स्टंट। और मैं इसमें आप लोगों को वेजिटेबल मॉक मीट लाया और इसको हम फ्राई किया, देख सकते हैं आप लोगों ने फ्राई कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसको स्टैंड करना है। और हम लोगों ने जो पहले कोटिंग लिया था, जो भी वेजिटेबल कोटिंग था, उसको बॉईल करना है थोड़ी देर के लिए। और जैसे कैरेट डाल दिया और इसमें हम लोग डाल रहे वाटर चेस्टनट और कैरेट को हम लोग दो समथिंग एक से दो मिनट बॉईल करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग इसको फिर दोबारा से बनाएंगे, जैसे कि हम डिमसम जैसे फिलिंग टॉस करेंगे तब उससे पहले हम लोगों ने ऑयल लेना है और कढ़ाई सेट करना है अच्छे से, ताकि आपका डिमसम ना चिपक जाए। जब डिमसम बनाते हैं फिलिंग बनाते तो चिपक जाता है, उसकी वजह से हम लोगों ने कढ़ाई को अच्छे से सेट करना है। जैसे सेट कर लिया दोस्तों, देख सकते हैं सेट करने के बाद हम लोगों ने डाल दिया वेजिटेबल। अब हम सीजनिंग करने जा रहे हैं। सीजनिंग में सॉल्ट डालेंगे, एरोमेट डालेंगे और वेज ऑयस्टर भी डाल सकते हैं, और शुगर और सोया सॉस। अगर आपको स्पाइसेस चाहिए तो आप स्पाइसेस में आप लोग डाल सकते हैं, फ्रेश रेड चिल्ली हो गया, और आपका जब बन चिल्ली गार्लिक सॉस बनाए हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से मिक्स करेंगे जब हम सीजनिंग करने के बाद। और हम लोगों ने फिर सीजनिंग करने के बाद लास्ट में हम पोटैटो स्टार्च ऐड करेंगे। और पोटैटो स्टार्च ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के लिए हम पहले इसका जो फ्लेम है, जो आग है, वो नहीं जलाएंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा वाटर ऐड किया ताकि आपका जो पोटैटो स्टार्च अच्छे से मिक्स हो जाए। और देख सकते हैं हम लोगों इस बार हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में थोड़ा सा सिसम ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा फिलिंग रेडी हो गया है। और फिलिंग रेडी हो गया है, इसके ऊपर से हम लोग इसमें फिर बाद में कुछ मिर्चा डालेंगे उससे, ताकि इसका कलर्स और हम इसका सीजनिंग टेस्ट करके फिर से हम बाद में। इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं और किसी भी फोल्ड कर सकते हैं। अगले दिन मैं आपको अभी इस तरीके से और इस कलर में आप लोगों को फोल्ड करके दिखाऊंगा। चलो दोस्तों, मैं फोल्ड करके आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। और जब तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और देख सकते हैं आप लोगों ने इस तरीके से मैंने फोल्ड किया। और आप लोगों ने किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और किसी डो में भी आप लोग बना सकते हैं। और देख सकते हैं हमारा डंपलिंग कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करके आप लोगों दोस्त के पास भेज दिए।